आवाज आ रहा है क्या, एक बार वाइफ से बताओ जल्दी से। ओके ठीक है, चलो ठीक। तो हम लोग बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है आपको समझ में आ गया? दो जीन को मिला करके न्यू जीन का क्रिएशन, मतलब एक डीएनए है जो एक होस्ट सेल का हो सकता है और एक डीएनए मीन्स जो प्लाज्मिड हो सकता है, दोनों को जब ज्वाइन कराएंगे तब बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके बाद बेटा यहाँ पे नेक्स्ट इसमें जैसे कि आप जो देख रहे हो, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यूकेरियोटिक में प्रेजेंट होती है। ओके, यूकेरियोटिक सेल जो है उसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है ठीक, बट प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा। फिर कल हम लोगों ने मीजोजोम क्या होता है ये हम लोगों ने देखे थे। तो मीजोजोम जो होता है, एक मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, वैसे कल बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है, याद होगा आप लोगों को। जैसे कि सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है, आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल, और इनसाइड द सेल वॉल प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन जो है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन में इनसाइड जो आप जो देख रहे हो, कौन सा पार्ट बेटा, इनसाइड जो पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, इनफोल्डिंग लाइक जो स्ट्रक्चर जो है, तो सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग में यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप लोग जो देख रहे हो, दिखाई दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, तो ये जो स्ट्रक्चर जो है बेटा ये कहलाता है मीजोजोम। ओके, क्या कहलाएंगे, ये मीजोजोम ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो है मीजोजोम के बाद यदि हम देखें तो नेक्स्ट पार्ट जो सेल में प्रेजेंट होता है वो है बेटा सेल एनवेलप, और उसका मॉडिफिकेशन क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। तो मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल जो है, यदि हम इनकी बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली स्पेशली यदि हम बैक्टीरियल सेल की बात करें, तो यहाँ पे केमिकली बेटा एक कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है, कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप जो कि बेटा टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है ये, टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर जो कहलाता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है जस्ट आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल वॉल का, मींस एक स्ट्रक्चर का हम स्टडी करें तो पहले तो इनसाइड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आता है सेल वॉल, और सेल वॉल के बाहर आउटर मोस्ट जो बॉडी जो होंगी वो कहलाएगा ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे देखे बेटा ग्लाइकोकैलिक्स के बाद यदि हम देखे तो ये जो लेयर्स जो प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में, ये स्पेशल टाइप की बेटा प्रोटेक्टिव यूनिट होती है, मींस बैक्टीरियल सेल में प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा ये। तो ये जो स्पेशल टाइप की जो प्रोटेक्टिव यूनिट जो है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तीनों भी मिलके बैक्टीरियल सेल ताकि ब्रस्ट ना हो पाए इनसाइड में, ठीक है, और किसी भी टाइप का हार्म ना हो इनसाइड मटेरियल जो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है, तो उसके लिए हेल्प करते हैं। कि सेल वॉल जो प्रोकैरियोटिक की जो बनी होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है बेटा पॉलीमर होता है किसका, एमाइनो शुगर एंड म्यूरामिक एसिड। किसका पॉलीमर है, एमाइनो शुगर एंड म्यूरामिक एसिड का पॉलीमर होता है, ये भी हम लोगों ने स्टडी की है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, अब बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आप लोगों के लिए आगे की आने वाली है, जो इंपॉर्टेंट स्लाइड जो है आगे की, ईश्वरी क्या बोल पूछना चाह रहे हैं आप, बोलो। प्रेजेंट हुआ था, हाँ बेटा, पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है एनएजी मींस एमाइनो शुगर है वो, ठीक है, उसी का टर्म जो है एमाइनो शुगर को क्या कहते हैं, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, एमाइन ग्रुप है वहां पर, तो एमाइन और ग्लूकोज मींस शुगर, तो उसको सिंपल टर्म में क्या बोलेंगे, एमाइनो शुगर, और साथ ही साथ उसमें एसिड चेन प्रेजेंट होती है, उसे क्या कहते हैं, म्यूरामिक एसिड। ओके ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं बेटा। अब बैक्टीरिया को जो क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल,
तो सेल वॉल के बेसिस पे यदि हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखें तो एक बेटा बैक्टीरिया जो कि ग्राम पॉजिटिव है और एक बैक्टीरिया जो कि ग्राम नेगेटिव होता है। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव मीन्स क्या है? एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, और क्रिश्चियन ग्राम ने सेल वॉल को स्टेनिंग किया, और स्टेनिंग करने के बाद वहां पे बैक्टीरिया को जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो वहां पे बैक्टीरिया जनरली टू कलर में उसे दिखाई दिया, या तो पर्पल या फिर पिंक, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन दिया है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे कि जो स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाई इनटू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन सेल वॉल, मतलब ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टू डिफरेंट टाइप की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये ग्राम स्टेनिंग कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, तो आपको ये वाला स्लाइड और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग जो है बेटा, जैसे कि बैक्टीरिया या तो ग्राम पॉजिटिव होगा या फिर ग्राम नेगेटिव होगा, ये इस तरह से दिखाई देता है बेटा। ध्यान दीजिए, जब माइक्रोस्कोप में हम बैक्टीरिया को देखेंगे तो बैक्टीरिया कुछ इस तरह से दिखाई देगा, या तो ग्राम पॉजिटिव रहेगा या फिर ग्राम नेगेटिव रहेगा। तो ग्राम नेगेटिव जो है वो कैसा दिख रहा है? पिंक कलर का। और ग्राम पॉजिटिव जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है? पर्पल या फिर वायलेट कलर का। ओके, अभी जिसके भी क्वेश्चन है मैं बाद में बता रहा हूँ, जो भी है ठीक है, चैट पे आए हुए मुझे बाद में बताता हूँ। ठीक, पहले भी अलग पोर्शन देखते हैं हम लोग। तो इस तरह से बेटा ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, बट ये दिखेगा कब और कैसे? तो उसके लिए बेटा एक स्टेनिंग मेथड जो अप्लाई की जाती है। तो बैक्टीरिया बेटा एक तो या तो ग्राम नेगेटिव होगा या फिर ग्राम पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये नेगेटिव, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक इस तरह से स्लाइड लेंगे। स्लाइड पे हम लोग बैक्टीरिया का इस तरह से एक डॉट जो देख रहे होंगे आप, ये यहाँ पे जो बनाया मैंने, ठीक है, इस तरह से लेके वाटर ड्रॉपलेट लेके इस तरह से हम वहां पे स्मियर बना लेते हैं। स्मियर बनाने के बाद सबसे पहले हम उसको यहाँ से इस तरह से हीट करके फिक्स कर लेंगे। हीट फिक्स करने के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखो फिक्सेशन हो गया। फिर सबसे पहले एक स्टेन का यूज करते हैं, नंबर वन जो है क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट के बाद फिर बेटा आयोडीन ट्रीटमेंट देते हैं। आयोडीन के बाद डीकलराइजर का यूज करते हैं, जैसे अल्कोहल हो सकता है। और लास्ट में काउंटर स्टेन का यूज करते हैं, जिससे कहते हैं सेफ्रेनिन। और उसके बाद जब बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करेंगे हम माइक्रोस्कोप में, तो हमको बैक्टीरिया या तो पर्पल या फिर पिंक कलर का दिखाई देगा। ओके, तो इस तरह से कुछ मेथड होती है बेटा। देखो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिए, एक स्लाइड लिए। स्लाइड लेने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे स्मियर बना के हीट फिक्स किया, और ये फर्स्ट स्टेप जहां पे हम लोगों ने सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट अप्लाई करे। फिर उसके बाद हम लोगों ने आयोडीन अप्लाई करे। उसके बाद फिर हम लोगों ने डीकलराइजर, जिसमें अल्कोहल से हम उसको ट्रीट करेंगे। और लास्ट में फिर यूज करते हैं सेफ्रेनिन का। ओके, तो यदि मान लो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो ये क्रिस्टल वायलेट का ही कलर लेगा, फर्स्ट वाली जो स्टेन है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो क्रिस्टल वायलेट के कलर को नहीं लेगा। अब ये ऐसा क्यों होता है थोड़ी देर के बाद मैं आपको आगे की स्लाइड में क्लियर कर रहा हूं। ओके, इतना पार्ट समझ में आया सभी लोगों को? रिस्पॉन्स देंगे? वॉइस में बोलो बेटा, मुझे चैट बॉक्स ओपन करना पड़ रहा है, नहीं तो फिर। ओके गुड, ऑडियो क्लियर आ रही है? एक्चुअली यहाँ पे बहुत हेवी रेनिंग हो रही है। ओके ठीक, आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ यहाँ पे क्या है बेटा। चैट में मत बोलो अभी कुछ भी, क्योंकि मुझे चैट बॉक्स ओपन करना पड़ता है फिर। ओके हाँ ठीक, तो अभी देखिए बेटा, नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, याद रखना। साइंटिस्ट का नाम है क्रिश्चियन ग्राम, 1884 की बात है। 1884 में क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करने के लिए एक मेथड वहां पे बताई। उन्होंने रिसर्च वहां पे जो साइंटिस्ट है एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए उन्होंने कि बैक्टीरिया जो है सेल वॉल के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं। ओके